Good morning, dosto. Welcome back to our channel Farhad Nomads. कल हम जब चंबा पहुँचे तो हमने होटल ढूंढने की बहुत ही कोशिश की, लेकिन क्योंकि यहाँ पर मेला लगा हुआ है तो सारे होटल्स पहले से ही बुक थे, तो तकलीफ़ ये हो गई कहाँ हम गाड़ी पार्क करें, क्योंकि हमें मेला देखना ज़रूरी था। तो हम जैसे ही वापस ऊपर से लौट रहे थे तो हमें ये क्रिकेट ग्राउंड दिखा जहाँ पर लिखा था पार्किंग। तो हमने गाड़ी अंदर ली, हमने यहाँ पुलिस वालों से बात की तो उन्होंने कहा कि एक रात का आपको 60 रुपया देना पड़ेगा। और हमने उनको समझाया कि हमारे पास हमारे खुद की सोने की व्यवस्था सब है, टेंट ऊपर लगा हुआ। तो कहना कोई बात नहीं, आप सो जाना उसमें। तो हमने गाड़ी क्रिकेट ग्राउंड में पार्क कर दी, लेकिन रात को 10 बजे से कंटिन्यूस बारिश हो रही है और अब पता नहीं कब बंद होगी, वो भी आसार नज़र नहीं आ रहे क्योंकि बादल भी ऐसे ही है। और अगर बाहर आप देखें तो पानी भरा हुआ है मैदान में जगह जगह पर। और हमें जाना है पठानकोट, तो जब तक बारिश बंद नहीं होगी तब तक हम इसको पैक भी नहीं कर सकते टेंट को। तो बस बैठे हैं पड़े हैं अंदर। आज बारिश तो ज़बरदस्त हो रही है, आप देख सकते हैं बाहर क्या करेंगे। पेशेंस रखना पड़ेगा, इंतज़ार करते हैं बारिश रुकने का, क्योंकि चालू बारिश में अगर इसको पैक करने की कोशिश करेंगे तो पानी अंदर आ जाएगा। पानी अंदर आ गया मीन्स मोल्ड बनना शुरू हो जाएगा, तो इसको खोल के 2 दिन के लिए, हम कम से कम 2 दिन के लिए सुखाना पड़ेगा। फिर भी चलना तो पड़ेगा ही, कैसे बैठा रहेंगे। हाँ, वो बात सही है, लेकिन फिर भी मतलब उस चीज़ को वेदर ऐप में बता रहा है कि पूरे दिन आज बारिश है। 2 बजे के बाद 50% है, तब तक 100% है। यहाँ की बात कर रहे हैं, चंबा की बात कर रहे हैं, चालू ही रहेगी बारिश। अगर 50% होगा तो शायद कुछ राहत मिल सकती है। कम होगा, फटाफट पैक करके हम चले जाएंगे, रास्ते में कहीं चाय वाय पीने के लिए। 2 बजे तक रुकना है फिर यहाँ। तो क्या करोगे इस बारिश में, थोड़ा पैक करोगे? तो ये सब पैक करना है, ये सब डालना है अंदर गाड़ी में। वो तो हो जाएगा यहाँ से, बारिश फिर भी ईश्वर पे भरोसा रखो, सब हो जाएगा। 2 बजे तक वेट करना पड़ेगा, इस बीच में अगर रुक जाए बारिश। हाँ, बस थोड़ा वेट करते हैं। बारिश इतनी है, आप देख सकते हैं यहाँ पूरा पानी पानी भर गया है और ये बारिश पूरा दिन रहने वाली है। तो हमने डिसाइड किया है कि हम लोग पैक करके यहाँ से निकल जाते हैं। एक बार थोड़ा रास्ता हिली एरिया है, टर्न्स भी है, तो धीरे धीरे जाएंगे, सेफली ड्राइव करेंगे। जय माता दी। तो दोस्तों डिसीजन ये ले लिया कि भले बारिश शुरू हो लेकिन हम लोगों ने तो अपनी टेंट वगैरह पैक कर दिया, सामान पैक कर दिया। अब हम निकल पड़े हैं यहाँ से, यानी चंबा से हम लोग जा रहे हैं अमृतसर। बारिश है लेकिन धीरे धीरे जाएंगे, सेफ्टी फर्स्ट। Thank you.
डर लग रहा है, ये कठिन रास्ता है। जोत के बाद जो रास्ता है वो नीचे की ओर जाता है, वो हिली रीजन है, तो यहाँ पर हमें ये ध्यान रखना है कि गाड़ी हम गियर में चलाए। गियर में चलाने से फायदा ये क्या है कि मशीन ब्रेकिंग जो हम बोलते हैं हमारी गाड़ी की भाषा में, तो वो गाड़ी मतलब वो गियर ही ब्रेकिंग का काम करेगा। गाड़ी कभी भी फ्री में न चलाए, क्योंकि आपका कंट्रोल जरा भी नहीं रहेगा और एक्सीडेंट होने के 100% चांसेस होंगे। तो दोस्तों सेफ चलाइए, अपनी और अपने साथ सवारी करने वाला लोगों का सबका ख्याल रखें। जोत के इलाके में आती है, और अगर आप इस तरफ नजर करें तो आपको स्वर्ग ही स्वर्ग आएगा, स्वर्ग ही स्वर्ग स्विट्जरलैंड में जाएंगे। ये हमारा स्विट्जरलैंड है। चाय देना साहब जी को, कड़क फ्रेश बनाना, एकदम कड़क बनाना, कम शक्कर डालना। ये है हमारी गोल्डन गर्ल, ऊपर जो रास्ता देख रहे हैं वहीं से हम आए हैं, और ये वाले रास्ते से चलेंगे। इतनी प्यारी जगह है, आपको दिखाती हूँ इसका 360 व्यू। तो क्या ये स्पेशल कुल्लू की टोपी आपको? जी, इसका सिर्फ कुल्लू की टोपी है। अच्छा अच्छा, मैं आपको इसी लगाने के लिए दे रहा हूँ, मेरी तरफ से आपको भेंट है। थैंक यू सर, थैंक यू। अरे क्या बात है, हिमाचली बाबू बहुत बढ़िया लग रही है। अरे देखो तो सही। समतल यानी प्लेन फील्ड्स में आ गए हैं, प्लेन रास्ते पे। पहले हमारा जाने का प्लान अमृतसर था, लेकिन अभी हमने डिसाइड ये किया कि हम पठानकोट में मिनी गोवा जो जगह है वहाँ पर जाएंगे, वहाँ पर कैंपिंग करेंगे या फिर कोई होटल या रिसोर्ट में बुक कर लेंगे। कई सारे पत्थर पड़े हैं, रास्ता बंद ही है जैसे।
तो हम एक मोड़ पे जहाँ पे बड़ी रिवर है वहाँ से हम वापस, डेंजरस रास्ता लग रहा है हमें तो हम आगे नहीं जा रहे हैं, हम पीछे मुड़ जाते हैं और पठानकोट में कहीं पे होटल ढूंढ लेंगे। अभी वो मिनी गोवा जो हम बोल रहे थे वहाँ पे नहीं जा रहे हैं।